हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 13.1 इज, हमें क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर गिवन है। सॉलिड सिलेंडर जिसका कि डायामीटर गिवन है 1.4 सेंटीमीटर और जो हमारा सिलेंडर है उसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर को कट करके सिलेंडर में से ही एक कोन शेप की कैविटी को निकाल दिया गया है। हमें बताना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। सो जो सरफेस एरिया जो बचा हुआ सॉलिड है कैविटी निकालने के बाद वो कैसे रहेगा, और जो ये अंदर की जो शेप है ये कौन है, तो जो अंदर से शेप है कौन की, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, बाहर से कैसा है सिलेंडर है, दोनों का सरफेस एरिया हमें ऐड करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन। अब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो टोटल की बात कर रहा है तो सिलेंडर ऑब्वियसली यहाँ से कट कर दिया गया है, तो यहाँ से तो दिखेगा ही नहीं, यहाँ से तो जो ऊपर वाला पोर्शन है जो सर्कुलर शेप का होता है वो तो खाली रहेगा, ओपन है क्योंकि कॉनिकल कैविटी कट की गई है। बट जो इसका बेस है, ये बेस तो स्टैंड करेगा ना, सो इट मीन्स नीचे तो है, तो नीचे का जो अगर हम सिलेंडर को देखें तो नीचे से हम एक सर्कल की शेप में दिखाई देता है, तो जो ये वाला पोर्शन है इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। हाइट ऑफ सिलेंडर, जो भी डायमेंशन गिवन है वो हमें लिखनी है पहले, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये जो हमारी है ये है हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर 2.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट डायामीटर गिवन है, डायामीटर क्या है 1.4 सेंटीमीटर है, सो रेडियस हमारा हो जाएगा 1.4 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, और वी कैन से 0.7 सेंटीमीटर। अगेन जो हाइट ऑफ कोन है वो भी क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ कोन, सिलेंडर में से कोन कैविटी जो है वो कोन की निकाली गई है, तो ये वाली जो हाइट होगी बेटा ये भी हमारी 2.4 सेंटीमीटर ही होगी, सो ये भी हमारे 2.4 सेंटीमीटर। अगेन रेडियस ऑफ कोन भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम रेडियस ऑफ कोन भी कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1.4 बाई 2, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर। अब हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है ना, सो उसमें हमारा पाई आर एल लगेगा, तो पहले हम लेंथ स्लांट हाइट निकाल लेते हैं कोन की, स्लांट हाइट ऑफ कोन, स्लांट हाइट को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से, एल स्क्वायर जो होता है वो होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमें रेडियस भी गिवन है, रेडियस कितना है 0.7 सेंटीमीटर, जो 0.7 सेंटीमीटर, हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 0.49, 24 स्क्वायर कितना होता है हमारा 576, सो ये क्या हो जाएगा 5.76, आफ्टर एडिंग वी गेट 6.25, दिस इज एल स्क्वायर, सो वट इज़ एल, एल हो जाएगा अंडर रूट 6.25, सो एल इज 0.0 तो नहीं होगा ना 2.5, 25 स्क्वायर होता है 625, सो 6.25 हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इज आवर स्लांट हाइट। सो अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में जो ये बेस है ये भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से तो एम्प्टी है, खाली है, तो प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे का। टी एस ए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन। अब मैंने आपको बताया नीचे वाला टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो नीचे किस शेप में है, सर्कल की में, सो प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है, बेस की शेप कैसी है, सर्कल की शेप है, मैंने आप डाल दिया। कर्व सरफेस एरिया 2πRH होता है सिलेंडर का, एंड कौन कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट थिंग, हमारा जो रेडियस है बेस का, कोन का और सिलेंडर का सेम है, बेस कोन और सिलेंडर तीनों का रेडियस सेम है, तो हम यहाँ से आर कॉमन ले सकते हैं,
हमें पहले चेक करना होगा क्या रेडियस सभी का सेम है, येस। सो हम पाई तीनों में से कॉमन, आर। ऐसा करने से हमारी जो कैलकुलेशन है बहुत छोटी हो जाएगी, ये हो जाएगा 2h प्लस पाई आर बाहर गया है l प्लस पाई आर बाहर गया है, ओनली 1r इज देयर। नाउ 22/7 इंटू रेडियस क्या है हमारा 0.7 इंटू क्या है 2 इंटू h, h क्या है भाई हमारा 2. जो h है वो है 2.4 सेंटीमीटर, कोन की भी हाइट यही है और सिलेंडर की भी 2 × 2.4 प्लस स्लांट हाइट कितनी आई है हमारी 2.5 और रेडियस हमारा कितना है 0.7, ये कट गया, ये क्या आ जाएगा 0.1। इसको यहीं पे शॉर्ट आउट कर लेते हैं, 22 × 0.1 इज 2.2, 2 × 4, 4.8, 2.5 प्लस 0.7 ऐड करेंगे 2.2 × 0.8, 0.5, 0.13, 1.3 हो जाएगा, 1.3 प्लस 0.7 2.0, तो 0.2 कैरी हो गया ना, 2, 4, 6, 6 और 2, 8, सो 8.0। नाउ 2.2 × 8 ये हमारा आ जाएगा 8 × 16 और 1, 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें गिवन है टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कीजिए टू नियरेस्ट सेंटीमीटर, 7.6 है, ये नियरली किसके इक्वल है 0.65 से ग्रेटर है, तो वी कैन राइट इट 18 सेंटीमीटर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 18 के क्लोज है, नियरेस्ट पूछा है उन्होंने। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 13.1 इज एक वुडन आर्टिकल बनाया गया। वुडन आर्टिकल कैसे बनाया गया है कि हमारे पास एक जो सॉलिड सिलेंडर था, उस सॉलिड सिलेंडर के टॉप और बॉटम से हमने हेमिस्फेरिकल शेप का जो एक पोर्शन है वो कट किया है। सो बताना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या होगा। क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर से और नीचे से एक हेमिस्फेयर को कट कर दिया है और पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया, बट हम सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि इसमें सिर्फ आउटर पार्ट ही जो चारों तरफ का है वही रहेंगे, टॉप और बॉटम नहीं रहेगा सिलेंडर का। क्यों? क्योंकि ये जो कट किया है ना पोर्शन हेमिस्फेयर का, तो ऊपर से वो खाली है, नीचे से भी खाली है। सो पाई आर स्क्वायर ऐड नहीं करना है। सो सिंपली हम यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ही यूज़ करेंगे, हालांकि क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या गिवन है? 3.5 सेंटीमीटर, ये हमें सिलेंडर का रेडियस गिवन है। हाइट, यही हमारा रेडियस हो जाएगा हेमिस्फेयर का। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट क्या गिवन है हमें सिलेंडर की? हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का रेडियस क्या है भाई? 3.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, वुडन आर्टिकल की बात कर रहे हैं, किसके इक्वल हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। मैंने बता दिया है यहाँ पर मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों लिया है, क्योंकि टॉप और बॉटम से कट है, तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ही हमें सिलेंडर का यूज़ करना है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाता है हमारा 2πRh प्लस हेमिस्फेयर का होएगा 2πr2। अब जो हेमिस्फेयर है एक ऊपर है और एक नीचे है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो क्या हो जाएगा? 2 × 1 हो जाएगा। सो हमारा सिंपली क्या हो जाएगा? 2πrh, 2 × 2 = 4, 4πr2। एक हेमिस्फेयर ऊपर है एक नीचे है, तो 2 × 2πr2, तो 4πr2। आप देखो दोनों का रेडियस सेम है, सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर बोथ हैव सेम रेडियस। सो क्या क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से? 2π भी कॉमन है और साथ में r, h कॉमन रह रहा है, यहाँ पर बचेगा 2 × r। सिंपली ये हमारा यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट 2 × π वैल्यू इज 22/7, रेडियस इज 3.5 × हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर, 2 × रेडियस 3.5,
सेवन वन जा सेवन, सेवन फाइव जा थर्टी फाइव, सो पॉइंट पहले ही है तो पॉइंट हो जाएगा। इंटू 22 44 0.5, 10 प्लस 3.5 इंटू 2 इज 7.0। सो 44 इंटू 0.5 इंटू 10 इंटू 7, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं 4 5 20 22 एक डेसिमल के बाद इंटू 70, 22 इंटू 17 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल हमारा जो आया वो है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।